भाई हमारे साथ, भाई है हमको पूरा भाई बताएंगे आज। शेल्टर यहाँ पर जो इंजर्ड डॉग जो मिलते हैं हमें रोड पे, उनको किस तरीके से रेस्क्यू करके लाते हो, किस तरीके से यहाँ रखते हैं और उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है यहाँ पर, भाई आप देखिए। जी बताइए सर। एक एरिया जो है ये गार्डन वाला एरिया है, जो ज़्यादा एग्रेसिव जो डॉग रहते हैं, जैसे लड़ने वाले जो रहते हैं, उनको यहाँ आपस में छोड़ा जाता है। ये गार्डन वाले एरिया में आराम से खेलते कूदते बढ़िया रहते तो हैं। आपके पास अभी कोई ऐसा डॉग है जो एग्रेसिव हो जाए? अभी एग्रेसिव वाला जो डॉग है वो हमारे वाले एरिया में है, दूसरे वाले एरिया में, क्योंकि गर्मी का टाइम है, जो पूरा ओपन है, इसलिए यहाँ पर डॉग ज़्यादा रख नहीं रहा है। इसलिए अलग बना के रखे हैं कि वो एकदम नए डॉग लेके आओ तो दूसरे जो पुराने डॉग रहते हैं वो लड़ते हैं आपस में, इसलिए पहले उनको अलग रखते हैं। तो इनको खाना कब कब देते हो? टाइम दोनों टाइम मिलता है, सुबह मिलता है 6:30-7 बजे और शाम को फिर मिलता है 7:30-8 बजे। यहाँ पे इनके लिए कोई देखभाल करने के लिए कोई है? देखभाल करने के लिए पीछे रूम बना हुआ है, एक अंकल आंटी है, और हमने पर्सनली अपनी गाय और 2-3 भैंसे लेके रखी है, जिससे दूध इन्हीं के लिए होता है और इन्हीं को दूध वो दिया जाता है दलिये में या चावल में मिक्स करके, या कभी ये सब नहीं हो पाता तो ब्रेड और दूध दे दिया जाता है। जी। और हफ्ते में 1 वेज दिया जाता है इनको संडे के दिन। ठीक। ये वाले डॉग जो हैं ये दिन में पूरा सब अंदर देते हैं, अंदर रूम में, फिर शाम को जब मैं खाना डालने आता हूँ तो शाम को इनको रात में बाहर कर देता हूँ, तो इनको बड़ी हवा हवा लगती रहती है, तो बैठे रहते हैं सुकून से। अब खाना खा लिया सब अपना आराम से बैठे आराम से। तो आपके कितने डॉग हैं पूरे मिला? अभी टोटल यहाँ पर जो है शेल्टर में करीब 65-70 डॉग हैं। 65-70? ओह माय गॉड। जो रेस्क्यू करे हुए हैं टोटल। ओके। वो जो बच्चे के साथ है वो हमने कोलार से रेस्क्यू किया था, उसके 5 बच्चे थे, जिसमें से 2 बच्चे तो वहीं मार दिए थे। हाँ। उसके दूसरे जो उधर दूसरा जो डॉग था, हाँ। हम मेरे पास कॉल आया कि उसके बगल वाले डॉग ने उनके 2 बच्चे मार दिए, तो 3 बच्चे के साथ जब हम लेके आए थे तो एक बच्चे के कान में क्या काट लिया था। अच्छा, उसका ट्रीटमेंट काफी चला मगर वो बच नहीं पाया, तो फिर उसके 2 भाई, एक भाई एक बहन बचे हुए और उसकी माँ हैगी, तो अब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनको वैक्सीन करके फिर अच्छी जगह। और वो जो ब्लैक वाला एक डॉग दिख रहा है मुझे, वो ब्लैक वाला जो डॉग है वो लैब्राडोर ब्रीड, प्योर लैब्राडोर है वो। उसको क्या हुआ है कि किसी ने खुजली होने की वजह से उसको केयरवर डेम एरिया में छोड़ दिया। तो वहाँ मैं फिट कराने जाता हूँ डॉग को। जब फिट कराने गए, जब मैंने उसको देखा कि वहाँ पर 15 दिन पहले, तो फिर मैं उसको रेस्क्यू करके अपने सेल्टर लेके आया। अब रिकवर हो रही है काफी, अब बाल माल भी काफी आ गए। दूसरा जो डॉग है उसकी दोनों ब्लैक वाले की आंखें दोनों नहीं है, तो उसको मैं लेके आया था जहांगीराबाद से, लिली टैगिस के इधर से रेस्क्यू करके। ये वाला डॉग जो है ये यहीं बड़खेड़ा पठानी चौराहे से मिला था, चौकी के सामने बैठा हुआ था, मैं खाना डाल रहा था जब मुझे ये वाला डॉग मिला था, तो इसको लेके आया था, इसकी कमर टूटी हुई है। ओके। तो इन सब का इलाज चालू है? इन सब का इलाज बिल्कुल प्रॉपर टाइम टू टाइम इलाज चलता है, डॉक्टर प्रॉपर यहीं आके देखते हैं, वो जिनको नहीं देख पाते तो उनको हम सेंट्रल हॉस्पिटल जहांगीराबाद लेके जाते हैं दिखाने के लिए। डॉग के लिए है ये वाला एरिया, वो वाला एरिया जो है जो ज्यादा तेज डॉग होते हैं उनको वो गार्डन वाले एरिया में रखते हैं। यहाँ पे एक ही डॉग है अभी, एक डॉग इसलिए है कि वो काट रहा है सबको, वो कपड़े भी काट रहा है, और ये देखिए ना पूरी ये ऊपर से खींच खान के उनने ये पूरी नीचे कर दी है। तो जैसे आप तार काटते होंगे तो कोई नहीं आता? नहीं, खाना यहीं से देते हैं, जब धीरे धीरे वो हमें पहचानने लगेगी तो धीरे धीरे हाथ फेरेंगे, जाएंगे आएंगे। और वैसे वो जाते नहीं उसको? नहीं, जाता हूँ, मैं ही जाता हूँ, कभी कभी चला जाता हूँ उसके बाद 1-2 दिन में, तो वो धीरे धीरे फ्रेंडली हो रही है। जब वो अच्छे से फ्रेंडली होगी तो फिर सबके साथ छोड़ेंगे उसको, अभी तो उसको इस कंडीशन में लेके आए। और आपने यहाँ कूलर भी रखा हुआ है? कूलर है इनके लिए, कूलर है, अंदर भी कूलर लगे, यहाँ भी है, एग्जॉस्ट भी लगे हुए इनके लिए, और ये धूप नहीं लगे इसलिए थोड़ा सा हल्का सा भी इंतजाम कर दिया। ये मैंने आपके इस वाले ये वाला एरिया देखा है, यहाँ पे आपने सबके लिए कूलर लगाया, सबके लिए कूलर और एग्जॉस्ट भी लगे, रूम भी बने हुए हैं सबके, 36 रूम है अंदर, 36 रूम है अंदर यहाँ पे लेके वहाँ तक, तो वो सब अलग अलग डॉग को रखने के लिए सभी हमारी ऊपर ही रहती है, ऊपर ही बैठी रहती है, खाना वाना खा के ऊपर ही रहती है। अब आराम से सब बैठे हुए हैं, आराम से खाना खा लिया। और ये जो जितने आपका पूरे डॉग लगी है आपको कोई परेशान नहीं करते? नहीं, परेशान काहे के लिए करेंगे, उनको तो बढ़िया अच्छा दोनों टाइम खाना मिल रहा है, सुकून से लाइफ में रहते और लड़ते थे आपस में, तो इससे अच्छा है कि यहाँ पर दोनों टाइम खाना मिल रहा है। जैसे जैसे ये रिकवर होते हैं, अच्छे होने लगते हैं, इनको वैक्सीन करके, और इनको क्या होता है कि अच्छे एरिया जहाँ पर खाना मिले तो ऐसे एरियों में छोड़ दिया जाता है। अभी तो इनको इसलिए नहीं छोड़ सकता, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कोरोना का, थोड़ा सा कोई मदद करे या नहीं करे, मदद करे नहीं करे, मगर अभी तो हमारा जो है बड़ी दीदी करके जो है इंदौर में, वो पूरा ही इनका पूरा करती है। तो हेलो भाई, इस तरह मार्सद का तो हमारे साथ है, नसरत भाई हमारे साथ है, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे भाई, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा, मैं 3 दिन से देख रहा था भाई, मेरे घर के सामने जा रहे थे
और डॉग्स को और पशु पक्षियों को ये खाना दे रहे थे। तो मैं तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनसे रोक के बात कर लूँ। फिर मैंने बोला नहीं यार रुक जाते हैं, बात कर लेता हूँ। तो मेरा नाम नसरत अहमद है और मैं भोपाल में रहता हूँ जहांगीराबाद से, और मैं बरकेड़ा पठानी पे एक छोटा सा शेल्टर भी जो है चलाता हूँ, जिसमें भी करीब 60 से 65 डॉग भी हैं मेरे पास जो रेस्क्यू करे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी कमर टूटी है, कुछ के पैर मेर में प्रॉब्लम है, कुछ की आँखों में प्रॉब्लम है, तो उनको रेस्क्यू करके काफ़ी अलग अलग जगह से ला के यहाँ इकट्ठा करा भी। और उसके अलावा भी क्या रहता है कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो मुझे रोडों पर भी काफ़ी डॉग और कुछ गाय ऐसी दिखने लगी थी, तो जिनके लिए मैं अपनी गाड़ी में एक्स्ट्रा खाना लेकर निकलने लगा और उनको भी खाना फीड कराना शुरू करिए। आप ये कब से काम कर रहे हो ये डॉग्स के लिए? डॉग्स के लिए तो करीब मुझे 15-16 साल हो गए हैं, मगर ये शेल्टर अभी चालू करे हुए करीब 1.5 साल हुआ है। और वो भी शेल्टर ऐसा है कि कुछ अधिकारी हैं हमारी जो बड़ी दीदी हैं, जो बड़ी दीदी के उससे ही हम लोग बोलते हैं सब उनको, वो अभी इंदौर में है तो वो पूरा इंदौर से ही इसको पूरा हैंडल करती हैं, हमारे पूरे शेल्टर को जो है वो ही चलाती हैं। और सिर्फ मैं वो छोटा मोटा जो भी मुझसे काम बनता है वो मैं काम नहीं, पर मैं भाई आपको बोलना चाहूँ बहुत बड़े इंसान है और बहुत दिलेरी लगती है भाई इसमें मालूम काम करने में। और ये मैंने इनको देखा, ये गाय को कुत्तों को मतलब खाना दे रहे थे तो पब्लिक आके देख रही थी बस। मैंने बोला नहीं यार पब्लिक आके देख रही ना, उनसे सीख रही कुछ ना कुछ कर रही, बस पब्लिक देखने का काम कर रही। भाई मुझे बहुत बुरा लगा था, तो मैंने काम कर रहे हो तो आप ये काम कर क्यों रहे हो ये मुझे बताओ, अपने जनता को बताओ। सिर्फ कर क्यों रहे हैं इसका सवाल आज से 16 साल पहले हुआ था। जी, जी, जी। वो ऐसे हुआ था कि मैं और मेरा एक दोस्त है चित्रांशु सेन करके, जो 11 मील पे रहते हैं जी, तो हम दोनों एमपी नगर में ऐसे ही थोड़ा काम से गए थे, तो वहाँ हमने देखा एक डॉग इंजर्ड पड़ा हुआ था, तो यार हम दोनों ने देखा तो उसको उठा के हम लोग सेंट्रल हॉस्पिटल ले गए, उसको इलाज कराए, इलाज करा के वो अपने घर ले गया। ठीक है भाई तू अपने घर में रख, जो भी इलाज होगा अपन कराएंगे उसका। कराया, वो थोड़ा सा ठीक होने लगा। उसके बाद फिर हमने फिर हम लोगों को पता चला एक डॉग इधर और है, हम लोगों ने वो उठाया। ऐसे करते करते हमारे पास 10-12 डॉग हो गए। अब 10-12 डॉग 6 मेरे पास हो गए, 6 उसके पास हो गए घर में। अब घर वालों ने बोला भाई ये इतने डॉग तो हम नहीं रखने देंगे तुम डॉग मॉग का इंतजाम भी कहीं और करो, और नहीं हो रहा तो तुम अपना इंतजाम भी देखो। तो फिर हम लोगों को थोड़ा हमारी बड़ी दीदी से हेल्प मिली, तो बड़ी दीदी ने हम लोगों को थोड़ा शेल्टर के बारे में बताया, और शेल्टर पूरा सेटअप जमा के दिया उन्होंने, और जिसमें चित्रांशु सेन जो है उनके पिताजी ने काफ़ी पैसा इसमें लगाया, और सब हम लोगों ने कंप्लीट करके हमारे जो 10-12 डॉग थे हम लोग यहाँ लेके आ गए और उसको रखना शुरू किया। अब वो लोगों को जैसे धीरे धीरे भोपाल में पता चला कि भाई ये दो लोग हैं जो डॉग के बारे में पता चलता है कि इंजर्ड है, ये तुरंत आके वो ले जाते हैं और उसका अच्छे से इलाज कराते हैं और फिर इलाज करा के वापस छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे करके हम डॉगों को लेके आना शुरू करते रहे धीरे धीरे करके आज हमारे पास 65-70 डॉग ऐसे हो गए कि जिनको छोड़ने की अब इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि वो अब बाहर सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। क्या होता है बाहर के जो डॉग रहते हैं रोड वाले, वो टीम बना के हमला करते हैं नए डॉग पे हमला करते हैं। अपन कोई नए एरिया में छोड़ेंगे तो वो हमला करेंगे। अब वो इतने टाइम से यहाँ आए, अब अपन उनको वहाँ छोड़ेंगे तो वो तो मर ही जाएंगे। इसलिए अभी काफी डॉग का वहाँ पास काफी टाइम से 1.5-2 साल। मैं आपसे एक और बात पूछने जा रहा हूँ, जब से लॉकडाउन चालू है, जब से लॉकडाउन जो चालू हुआ उससे तो काफी प्रॉब्लम बनी है, मानो हमारे लिए भी प्रॉब्लम बनी है और जानवरों के लिए। डॉग तो बहुत बढ़ गए होंगे आपके लिए और डॉग्स के लिए बीमारी बहुत हो गई होंगी। कम से कम मैं इस टाइम पे 400 डॉग को फीड करा रहा हूँ, कम से कम 50-60 गाय को मैं चारा लेके निकलता हूँ कार में, तो 50-60। शुरू से बताइए आप कितने बजे से निकलते हो, पूरा दिन का रूटीन बताइए। सुबह मैं निकलता हूँ 5 बजे, तो मैं घर पहुँचता हूँ सुबह 11 बजे रिटर्न, फिर शाम को मैं निकलता हूँ 4 बजे, तो पहले मैं देता हूँ अपना कंट्रोल रूम न्यू मार्केट टॉप एंड टाउन माता मंदिर नगर निगम ऑफिस, फिर पूरा केरवा डेम एरिया शाहपुरा से अपन आते हैं तो सीधा 10 नंबर 12 नंबर आर BHL के बाद हमारा शेल्टर बड़खेड़ा पठानी, यहाँ से निकल के जाऊंगा अभी कस्तूरबा नगर और उधर कौन सा एरिया जहाँ मैं गाय को खाना डालता हूँ, साकेत नगर से घूम के अप्सरा से होते हुए बोगदा पुल से मछली घर वाले रोड जो पुलिस मुख्यालय है, बस वहाँ पर मेरा एंड होता है। डेली का रूटीन मेरे एक बार समझ नहीं आया, डेली का रूटीन है तो आपको इसलिए मतलब चारा पानी ऐसा रहता है कि पेट्रोल चारा पानी जो हमने बताया जो हमारी बड़ी दीदी वो ज्यादातर लोगों को अपने एक ग्रुप बनाया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप उसमें लोगों को जोड़ा हुआ है, उसमें काफी अधिकारी लोग हैं जो ये चीज देख के उनको लगता है कि हाँ ये प्रॉपर अच्छा काम कर रहा है। तो कोई 50 किलो दलिया देता है, कोई 100 किलो दलिया दे रहा है, कोई 100 किलो चावल दे रहा है, कोई अमाउंट के तौर पे जिसको जैसी इच्छा होती है वो अपने हिसाब से करता है, क्योंकि वो इसलिए करता है उनको लगता है कि हाँ ये काम कर रहा है।
क्योंकि एक कॉल पे आधे घंटे 15 मिनट पहुंचना बहुत बड़ी बात है आज की डेट में भोपाल के एरिए में, क्योंकि कोई कॉल कर रहा है कोलार से, कोई कॉल कर रहा है लाल घाटी से, कोई कॉल कर रहा है बिल्कुल कोलार के आखिरी कोने से कि हमारे पास ऐसा डॉग दिखा है सर हमें, तो आधे घंटे से ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगता वहाँ पहुँचने में। आधे घंटे पहुँच के वहाँ जो ट्रीटमेंट होता है वो करा के और उसको अपने सेंटर पे इतने दिन रखते हैं, जितने दिन वो सही नहीं होता है फिर उसके बाद उसको उधर छोड़ दिया जाता है। जी जैसे जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तो जैसे पुलिस वालों ने पूरी सरकार ने मना किया कि घर से बाहर नहीं निकलना, तो आपने उनसे परमिशन ली है? परमिशन ली है और वो लोग भी खुद आगे बढ़ के जब देखते हैं कि हम पूरे चौराहे पे हर जगह खाना डालना है वो खुद आगे बढ़ के आते हैं और कहते हैं कि नहीं आप भी जो काम कर रहा है वो भी बहुत अच्छा काम है, क्योंकि सब अपने अपना देखेंगे, चलो करोना से मैं परेशान हूँ मैं घर में रहूंगा, आप परेशान हो आप घर में रहेंगे, मगर ये जानवर कहाँ किसके घर में जाएंगे, लोग तो कंडीशन ये बन रही है अपने पले हुए जो जानवर छोड़ दे रहा है, क्योंकि अभी तक 3 डॉग मुझे ऐसे मिल चुके हैं जो घर के पले हुए थे उनका ट्रीटमेंट अभी चल ही रहा है, जिनको मैं रेस्क्यू कर चुका हूं। लैब्राडोर भी है जो अभी ट्रीटमेंट चल ही रहा है उसका, आसरा में जो भोपाल में एक आसरा हॉस्पिटल है वहां पर एडमिट है, डेली ड्रिप चल रही है उसको सुबह शाम, किसी ने सिर्फ उसको इस वजह से छोड़ दिया कि खाना नहीं दे पा रहा हो या जो भी कर रहा हो उनने छोड़ दिया, तो वो मुझे नाली में मिला, मैंने उसको रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करके उसको एडमिट कराया और अभी उसका ट्रीटमेंट बराबर चल रहा है। और बाकी लोगों से सिर्फ लॉकडाउन में मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप घर से बिल्कुल नहीं निकलिए, घर में ही रहिए, सेफ रहिए, मगर घर में जो आपके पास जो कचरा उठाने डोर टू डोर लोग आ रहे हैं जो अपने जो कचरा उठाने वाले सिपाही हैं, अभी तो उन्हें नहीं बोल सकते नगर पालिका एक तरीके से सिपाही हैं जो आपके घर आके कचरा ले रहा है, तो उन सिपाही को अपने घर की 2 रोटी उनके हाथ में दे दीजिए और उनसे बोलिए जहाँ आपको कोई जानवर ऐसा कोई देखे तो आप उनको डाल दें, आपको निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सिपाही निकलना है उनके थ्रो वो काम कर सकते हैं। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो सब लोग के घर वालों ने मना किया घर से बाहर निकलना, तो आपको आपके घर वाले का सपोर्ट? नहीं, हमारे घर वालों का सपोर्ट है, पूरा खाना तो घर वाले तैयार करके देते हैं। अब एक टाइम में 40-50 किलो दलिया उबालना मेरे अकेले का काम तो हो नहीं सकता, मेरे घर में हम लोग टोटल 22 जो है मेंबर है, तो मम्मी कम से कम 15 किलो आटे की रोटी डेली बना के देती है, वाइफ जो है उसका काम है दलिया उबालने का, और जो सिस्टर है वो चावल वावल उबाल के देती है, ऐसे करके पूरी फैमिली पूरा खाना तैयार करके उन्हें भी अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता है कि चलो मेरा जो बच्चा है वो कुछ अच्छा ही काम करने के लिए निकल रहा है, मैं काम करता हूँ 10-11 बजे अपने घर पहुँच जाता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ नसरत भाई थे और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और मैं भाई को सलाम करना चाहता हूँ, भाई थोड़ा पीछे जा, भाई थोड़ा पीछे जा, और पीछे जा, और भाई का एकदम सलाम, भाई झुके सलाम है, बहुत ही अच्छा लगा, और भाई को सपोर्ट करो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई का नंबर दे रहा हूँ, पूरी डिटेल डाल ले रहा हूँ, जहाँ पे पूरे भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश पूरे इंडिया में जहाँ पे भी जो भी अगर आपको ऐसा कुछ दिखे तो प्लीज संपर्क करें, और थैंक यू सो मच भाई।